start our class today. This will be one of the most interesting class that you will have on the types of elements. इस क्लास के बाद आप लोगों को जो है साइंस में मजा आने लगेगा, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना आप लोग बच्चों रट्टा नहीं लगा सकते हो. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट सो इंटरेस्टिंगली दैट यू विल एंजॉय ईच ऑफ दिस टॉपिक. तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास. इन आवर लास्ट क्लास वी हैव सीन व्हाट इज एलिमेंट. तो आज जो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स जो होता है ना बच्चों, वो दो तरीके की होते हैं. एक होता है एलिमेंट्स मेटल्स, वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स इज मेटल्स. एंड व्हाट इज मेटल्स, और मेटल्स यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए बहुत ही, आप लोग ना पूरे वीडियो को देखिए तो आप ये जो कॉन्सेप्ट है हर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का हो जाएगा बिल्कुल क्लियर. ये देखिए, दीज आर व्हाट, दीज आर द मेटल्स. ये सब क्या है, ये सब मेटल्स है. और मेटल्स क्या है, मेटल्स एक सॉलिड मटेरियल्स होता है. मेटल्स एक क्या होता है, मेटल्स एक सॉलिड मटेरियल्स, मेटल्स एक सॉलिड होता है. और देखिए मेटल्स बहुत हार्ड होता है. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे एग्जांपल्स है मेटल्स के. लास्ट क्लास में बहुत लोगों ने पूछा था कि कॉपर क्या है, ब्रोंज क्या है. ये देखिए ये सब क्या है, ये सब मेटल्स है. ये है ब्रोंज, ये है स्टील, ये है कॉपर, ये है आयरन. यस आयरन देख रहे हो, ये सब मेटल्स है, मेटल्स है. ये मैलेबल्स भी होते हैं, डक्टाइल्स भी होते हैं. मेटल्स को हम ना किसी भी शेप में, इसको हैमर से वो टूटेगा नहीं, उसको हम डिफरेंट शेप्स में डिजाइन कर सकते हैं मेटल्स को. फिर ये देखिए ये हमारा आयरन मैन, ये हमारा आ गया कौन, आयरन मैन. आयरन, आयरन एक क्या है, मेटल से. तो आयरन मैन भी हम क्या, किससे बना होगा, आयरन मैन भी बना होगा किससे, हमारा मेटल से. तो इसीलिए ये भी बहुत है स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा, इसको भी हम तोड़ नहीं सकते हैमर से. डक्टाइल भी होता है ये आयरन मैन. एलिमेंट्स के और एक टाइप होते हैं जिसको हम कहते हैं मेटलॉइड्स. एलिमेंट्स के और एक टाइप होते हैं जिसको हम कहते हैं मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स जो होता है ना, व्हाट इज मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स ऐसे होते हैं जिनके प्रॉपर्टीज ना ही मेटल जैसा होता है और जिनके प्रॉपर्टीज ना ही नॉन मेटल जैसे होते हैं, वो बीच के होते हैं. इनके प्रॉपर्टीज, मेटल्स का जो प्रॉपर्टीज होता है वो भी मेटलॉइड्स के पास नहीं होता है, मतलब ये एक्सट्रीमली हार्ड भी नहीं है. और नॉन मेटल्स का जितना सारा प्रॉपर्टीज है वो भी मेटलॉइड्स में नहीं होते. उनका प्रॉपर्टीज क्या होता है, उनका प्रॉपर्टीज इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं. सी इट एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. ये लोग मेटल्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज शो करते हैं और ये लोग नॉन मेटल्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो क्या करते हैं, शो करते हैं. जैसे एग्जाम्पल हम पकड़ ले, एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल है, बोरोन, फिर हमारा सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमोनी और टेलीरियम. ये सब हमारे एग्जाम्पल्स है किसके, ये सब हमारे एग्जाम्पल्स है मेटलॉइड्स के. फिर हम देखिए लास्ट क्लास में हमने देखा था हमारा प्योर सब्सटेंस क्या होता है, और प्योर सब्सटेंस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप्स में. एक होता है हमारा कौन, कॉम्पाउंड्स, और दूसरा वाला हमारा कौन होता है, एक होता है हमारा कॉम्पाउंड्स और दूसरा वाला हमारा कौन होता है, दूसरा वाला हमारा होता है एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स को हमने अब देख लिया क्या होता है, अब हम देखेंगे कि कॉम्पाउंड्स क्या होता है. देखिए जब भी दो एलिमेंट्स को हम मिक्स करेंगे ना एक साथ तो कॉम्पाउंड्स बनेगा. जब भी हम दो एलिमेंट्स को एक साथ मिक्स करेंगे तो कॉम्पाउंड्स बनेगा. देखिए यहाँ पे H2O एक कॉम्पाउंड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन का एक एलिमेंट था और ये दो हाइड्रोजन के एलिमेंट, दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए ना. जैसे यहाँ पे आप इस कार्टून में देख सकते हैं ये हमारा कौन है, मिस्टर बीन है. मिस्टर बीन भी डिफरेंट चीजों को क्या कर रहा है, यहाँ पे अपने हिसाब से वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है. तो कंपाउंड भी बेसिकली क्या है, एक एडिशन है. अब कंपाउंड किसका एडिशन होता है, किसको ऐड करके हम कंपाउंड को बना पाएंगे, कंपाउंड को हम बना पाएंगे बच्चों बाय द एडिशन ऑफ एलिमेंट्स. देखिए ये हमारा सेकंड एग्जांपल है कंपाउंड का, NH3 अमोनिया. यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा एलिमेंट था नाइट्रोजन और इसके साथ हमने ऐड कर दिया और तीन एलिमेंट्स हाइड्रोजन को. फिर आप देखिए ये हमारा है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2. ये भी क्या है, ये भी एक कंपाउंड है. ये भी कंपाउंड क्यों है बच्चों, क्योंकि इसमें हमने क्या किया था, कार्बन और कार्बन के साथ हमने ऐड कर दिया यहाँ पे दो ऑक्सीजन को. ये भी और एक कंपाउंड का एग्जांपल है जो क्या है, H2O2. तो यहाँ पे दो
हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन सबको हमने एक साथ मिक्स कर दिया, तो डिफरेंट एलिमेंट्स को जब हम एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे तब जो बनेगा वो बनेगा क्या हमारा कंपाउंड, तब जाके बनेगा हमारा कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स में कौन होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल अपोजिट होगा मेटल्स से, ठीक है। जैसे मेटल्स हमारा क्या था, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मेटल्स ऐसा था जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता था, मेटल्स ऐसा था बच्चों जिससे क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, आराम से इलेक्ट्रिसिटी मेटल से पास हो जाएगा। बट नॉन मेटल्स जो होता है ना, नॉन मेटल्स से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, इसीलिए हम नॉन मेटल्स को यह कहा जाता है कि दे आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स को हम पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, क्योंकि नॉन मेटल से इतने आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। कुछ एग्जांपल है नॉन मेटल्स के, कार्बन, बोरॉन, ये सब नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स होते हैं। अब देखिए, अब मिक्सचर क्या है, देखिए जब भी दो एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं तब जाके क्या बनता है, कंपाउंड, और जब भी हम दो कंपाउंड्स को ऐड करेंगे तब जाके बन जाएगा मिक्सचर। अब मिक्सचर जो होगा ना बच्चों, मिक्सचर दो तरीके की होते हैं, एक होता है मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर हमारे दो तरीके की होता है, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक होगा हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि होमोजेनियस, आप लोग ना घबराए, आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इतने मजे से समझेंगे आप लोग होमोजेनियस के मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। ये देखिए, ये होमोजेनियस मिक्सचर, इन दिस काइंड ऑफ मिक्सचर यू कैनॉट डिस्टिंग्विश द कंपोनेंट्स, मतलब जब दो कंपाउंड को हम ऐड करेंगे उसको क्या कहेंगे, मिक्सचर, और कुछ ऐसा मिक्सचर ना जिसको हम अलग नहीं कर पाएंगे कंपोनेंट्स को। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने ऑरेंज जूस लाके बना दिया, अब एक बार ऑरेंज जूस बन गया तो फिर आप पानी और ऑरेंज को यहाँ से अलग नहीं कर पाएंगे। जैसे चॉकलेट्स, आप लोग जो चॉकलेट्स खाते हो, चॉकलेट्स के अंदर जो डार्क चॉकलेट्स, मतलब जो भी चॉकलेट्स होते हैं ना उसको, उसका जो डिफरेंट कंपोनेंट जिससे वो बनता है, आप काजू पेस्ट होता है इसमें, होता है ना इसमें पास्ता पेस्ट होता है, तो क्या आप इन सबको अलग कर पाओगे, आप कोशिश करके देखो, इनको अलग नहीं कर पाओगे। तो एक ऐसा मिक्सचर जो मिक्स होने के बाद इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम अलग नहीं कर पाएंगे, इसको हम कहेंगे कि कौन सा मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। और फिर आता है हमारा कौन सा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर आप देखिए इस कितने मजेदार, कितने सारे है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसपे आप एक बार मिक्सर तो बन गया उसके बाद आप कंपोनेंट्स को सेपरेट कर पाओगे। जैसे आपने एक फ्रूट सलाद बना दिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स को आपने मिक्स करके फ्रूट सलाद बना दिया, फिर यहाँ पे, यहाँ से आप डिफरेंट फ्रूट्स को आप क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। फिर आपने कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क को एक साथ ऐड कर दिया, तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, इसको सेपरेट कर सकते हो, है ना बच्चों। फिर हम दो एग्जांपल्स के, इन दो एग्जाम फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, एक बार पढ़ लीजिए, फिर उनके लिए एक बहुत ही मजेदार एग्जांपल से हम समझेंगे। देखिए, फिजिकल चेंज इज सेड टू अंडरगो द चेंज इन द शेप, साइज एंड कलर एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, वेयर एज इन केमिकल सब्सटेंसेज द न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। तो सम चेंजेस the resultant of which will not produce a new compound is known as a physical changes, right? The changes that will not result into the formation of a new compound is known as a physical changes. मतलब कुछ ऐसा चेंज जिससे नया कंपाउंड नहीं बनेगा, बट चेंज तो होगा बट नया कंपाउंड नहीं बनेगा। हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे अगले वाले स्लाइड में, उसको हम कहेंगे फिजिकल, का मजा आएगा एग्जाम्पल देख के, मतलब इतना मजा आएगा, इसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिस चेंज से क्या होगा ना, जिस चेंज से आपका केमिकल चेंज, वो केमिकल चेंजेस वो चेंज होता है जिस, मतलब चेंज होने के बाद एक नया सब्सटेंस बन जाएगा। देखिए एग्जांपल देखिए, ये हमारा एक बॉलर है, कौन सा बॉलर है, ईशांत शर्मा है। उसने क्या किया, उसने, और ये हमारा कौन है, अमित मिश्रा है, तो दोनों ने ना, तो यहाँ पे उसने एक बॉल किया अमित मिश्रा ने, राइट right. तो तब क्या हुआ, देखिए उसने एक बॉल पे एक बैट्समैन को आउट कर दिया, तो बैट्समैन तो हो गया आउट, आउट होके क्या क्या हो रहा है वो, मतलब अपने ड्रेसिंग रूम के ओर बढ़ रहा होगा, बट सडनली द अंपायर सेड वेट दैट इज अ नो बॉल, सो योर विकेट इज स्टैंड अप, यू कम बैक अगेन, आप फिर से आओ और बैटिंग करने लग जाओ, आप फिर से आओ और क्या करने लग जाओ, बैटिंग करने लग जाओ। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल
चेंज, मतलब द चेंज दैट कैन बी रिवर्स, एक ऐसा चेंज जिसको हम वापस से रिवर्स कर पाएंगे. सी द चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड और नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है, बार फिर से पढ़ लीजिए. एंड द चेंज दैट कैन बी, चेंज तो हुआ बट हम इसको फिर से रिवर्स कर लेंगे. जैसे एक केमिस्ट्री में हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस. देखिए आइस, जब भी आप वाटर को फ्रिज में रखते हो तो क्या होता है, द वाटर टर्न्स इनटू आइस, राइट राइट, ड्यू टू कूलिंग. अगेन यू टेक आउट द आइस फ्रॉम द, अगेन यू टेक आउट द आइस एंड कीप इट आउटसाइड, व्हाट विल हैपन, द आइस विल अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, राइट, द आइस विल, सो बोथ द चेंजेस आर रिवर्सिबल, मतलब हम एक दूसरे के साथ इनको आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं. इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस. फिर आप देखिए केमिकल चेंज. केमिकल चेंज होता है एक ऐसा चेंज जो मतलब हो गया तो हो गया, हम उसको कुछ नहीं कर सकते. जैसे किसी प्लेयर ने सिक्स मार दिया, अब नो बॉल हो कि कुछ हो, सिक्स तो सिक्स ही होगा. जैसे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ऊंट है, ऊंट को आप एक बार बांध कर दो तो खत्म है, वो एशेस में कन्वर्ट हो गया. आप उसको एशेस को आप वापस ऊंट नहीं बना सकते हो, बाइंडिंग ऑफ ऊंट, वो क्या है, केमिकल चेंजेस है. तो फिजिकल चेंज क्या है, चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड, इसको हम वापस रिवर्स कर पाएंगे. केमिकल चेंज इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. Thank you very much for the class.